नमस्कार, बताइए। हाँ जी बोलो आप, माहौल कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का माहौल हरियाणा में ही, हरियाणा में ही। मैं तो अभी उधर था रेवाड़ी में, सब कह रहे हैं इसे अहिरवाल बेल्ट में तो बीजेपी आ रही है। नहीं, अहिरवाल में बीजेपी आ रही है ये आजकल ऐसा ही है जी। उनका भी ऐसा ही है, इंद्रजीत की वजह से कह रहे हैं। इंद्रजीत का भी ऐसा ही है, इंद्रजीत का भी ऐसा ही है। वो भी नाराजा चल रहा है हल्का हल्का। वो तो बेटी के टिकट के लिए जो वो तो तीन चार ही टिकट दे रहे हैं, उसको तो दे ही नहीं रहे। छह टिकट की डिमांड की थी, टिकट तो ज्यादा मांग रहे हैं, वो तो ये कम दे रहे हैं। तो ये राव इंद्रजीत सिंह का परिवार राव तुलाराम के जमाने से इस इलाके में उनका दबदबा एक प्रतिष्ठा है। हाँ वो तो है। तो इधर के लोग क्या ये भी दिमाग लगा रहे थे कि कुछ चीफ मिनिस्टर वाला नंबर भी कुछ नहीं जी, चीफ मिनिस्टर वाला तो नहीं हो सकता है जी। नहीं नहीं हो सकता चीफ मिनिस्टर वाला। तो एक बात बताइए, एक लोग बहुत लोग कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी ने हमेशा अच्छा किया, लोकसभा चुनाव में भी अच्छा किया, पिछले दो चुनाव में बहुत अच्छा किया, रेवाड़ी की तो तीनों सीट जीत ली थी 14 में 19 में एक एक इस बार क्या है, इस बार तो कांग्रेस का हाल ठीक है जी। कमी आएगी बीजेपी की, कमी आएगी। अब आप बात का है कि दबदबा होते हुए भी मोदी को भी आना पड़ा था बॉर्डर पे हरियाणा के रेवाड़ी के, लेकिन अफसोस बीजेपी का एमएलए हार गया इंद्रजीत की वजह से। और इंद्रजीत इज रेस्पॉन्सिबल, उसकी टिकट कितने आदमी को टिकट कटवाई थी, कापड़ीवास की टिकट कटवाई, नरवीर की टिकट कटवाई, कईयों की कटवाई, नतीजा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये मोदी और बीजेपी वालों को क्या दिखाई दिया इसमें। ही हैज लॉस्ट, कुछ नहीं है अब, नहीं है इंद्रजीत जी का खत्म खेल। ये जो जीता है मोदी की वजह से सिर्फ। अच्छा वो पहले तो लाखों से जीतते थे, इस बार 75,000। कभी भी नहीं जीते थे, सरपंच का चुनाव हार गया वीरेंद्र सिंह। एक मिनट, ये मोदी की वजह, मोदी क्यों 1.5 लाख से जीतता है आप बताओ, अगर मोदी में इतना रुतबा है तो मोदी का इंप्रेशन ही है जो कुछ है। नहीं इंप्रेशन क्या करेगा इसमें, एक वोटर है मन बना लिया उसका, दे दिया वोट। कापड़ीवास सतीश यादव कईयों की टिकट कटवा दी इस आदमी ने जो है, कईयों की। अरे तो और इसको बीजेपी वाले हराते हैं। अरे राजनीति में टिकट दिलवाना कटवाना ये तो खेल है, दिलवाने की बात। इसी खेल में अभी तक टिकट नहीं मिल रहा, 5-6 आदमियों की टिकट कटवाई। अगर इसकी जगह आप नरवीर को भी खड़ा कर देते, कापड़ीवास को भी टिकट खड़ा कर देते तो वो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता। अरे नरवीर तो खुद ही कह रहे इधर से नहीं मिलेंगे तो उधर से लड़ जाऊं। अब नहीं पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव में एमएलए के में ये सीट जो है बीजेपी आ रही है इंद्रजीत की वजह से। अगर कापड़ीवास दिला, कापड़ीवास जीत जाता, नरवीर को दिला दे, वो मूसेपुर को दिला दी इंद्रजीत कहने से हार गया। सुन रहे फिर मूसेपुर पे दाव लगा रहे, लगा रहे हारेंगे। अच्छा एक बात बताइए, टिकट के बंटवारे का ज्यादा देख रहा हूँ मैं, देखो देवीलाल के परिवार के लोग राजनीति में है ही, बंसीलाल के परिवार के हैं ही, भजन लाल के कुदली बिश्नोई अपने बेटे भव्य के लिए बीजेपी से मांग रहे, कांग्रेस वाले कांग्रेस में मांग रहे बीजेपी, ये नेता जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे ये भी एक मुश्किल खड़ी कर रहे हैं क्या बीजेपी कांग्रेस के लिए। परिवारवाद बात करता था मोदी, परिवारवाद अब ये परिवारवाद नहीं तो क्या चल रहा है, परिवारवाद नहीं तो क्या चल रहा है ये कांग्रेस में, क्या चल रहा है। अरे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो क्या चल रहा है, सभी सभी अपने बच्चों को आगे लाना चाह रहे हैं इस वक्त, कापड़ीवास भी लाना चाह रहे हैं आगे, इंद्रजीत भी बेटी को ले आया। सवाल इस बात का है कि कैंडिडेट कौन सा है जिसकी वैल्यू है, जिसका इम्प्रेशन है इलाके में। तो आपको क्या लगता है कौन, हमें यह लगता है कि पहले तो जेजेपी से मिलकर सरकार बन गई बीजेपी की, अब मुश्किल है। अब की किसी को बहुमत मिलेगा, मतलब ही नहीं है किसी को बहुमत है जी, बहुमत किसी को, बहुमत नहीं है कांग्रेस का है, देख लेना आप। जज्बा तो खत्म है, जज्बा लोकदल फोकदल खत्म है सब, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, इन्होंने कुर्सी के लिए आपसी गठबंधन किया, नतीजा सामने है। ये मतलब जेजेपी वगैरह ये सब लॉस्ट कर चुके हैं, परिवार में झगड़ा हो गया, परिवार में ही बटन हो गई। आप तो परिवार में बंटवारे के बाद भी तो 10 सीट जेजेपी पिछली बार पाई थी हरियाणा में बीजेपी, अब देखी है मैंने, वो भी एक मोदी की वजह से, वरना हरियाणा में जाटों का राज होता था, कभी बंसीलाल, कभी ये हुड्डा, कभी वो क्या नाम से भजनलाल, यही होते थे। ये इसके इम्प्रेशन से ये सब हुआ।
बस अदरवाइज तो एक ही का राज रहेगा, दूसरे का भी तो रहेगा नहीं रहेगा, दूसरे का नहीं रहेगा, किसको दूसरों का भी तो होगा कि जाट का ही पट्टा लिखा है। पट्टे की बात यह है सर कि इस वक्त जो है टफ फाइट है और आप जब करोगे ना गड़बड़ तो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में चुनी हुई गवर्नमेंट को मोदी जी ने गिरवा दिया और शिंदे पिंदे को बना दिया, नतीजा क्या हुआ, लोकसभा में हार गए, क्योंकि पब्लिक बहुत अलर्ट है। और अब महाराष्ट्र में हारेंगे विधानसभा में, जब आप चुनी हुई सरकार को गिराएंगे तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है। अरे वो तो कह रहे थे लड़े हमारे साथ थे शिवसेना और बीजेपी हमारा था और चले गए उधर, तो शिवसेना पिंदे पिंदे कुर्सी के भूखे हैं, तू आ जा मैं आ जाऊं, किसी को तो डर दिलाते हैं। अच्छा उद्धव ठाकरे, एक मिनट, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ शिवसेना के साथ जाके सरकार बना ले वो कुर्सी के भूखे नहीं? बना ले तो बना ले, उस बात की बात है, जो बन गई उसकी बात करो। वो भी तो बनी थी, कहां बनी थी? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं थे शिवसेना कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ? हंसने लग रहे। अरे भाई वो भी बनी थी कि नहीं बनी बता, बनी थी अभी आप बता। अरे और लोग बोलने दोगे कि आप ही नहीं वो बहुत है ना बोलने वाले, आपके इनकी बात से आप सहमत है कि आपको लग रहा है कि फाइट बराबर की? फाइट बराबर की कुछ नहीं कहते, पब्लिक शांत है बिल्कुल और फाइट बराबर की है, कह नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा 500-700 वोटों का अंतर आएगा, ज्यादा से ज्यादा खूब। अरे ये जो तीसरे वाले सब घूम रहे बसपा और ये सब यही है, सब यही है जो अपनी इमेज खो चुके हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। बस बराबर का वो है, कह नहीं सकते कोई किधर जाए, कह नहीं सकते कोई पारा किस पा हो जाए, पब्लिक बिल्कुल शांत बैठी, कोई किसी को अपने व्यूज नहीं बता रहे। आप बताओ तब, आप बताओ भाई बताए।